से यहाँ पर दिया है। फॉर्म्स हम लोग कुछ साथ में लेकर आए हैं, कुछ अगर कम भी पड़ते हैं तो भी भंडारी साहब को हम लोग अगले इसमें दे देंगे, विजिट में दे देंगे। दीक्षा के प्रमाण पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड्स है। देखिए, मैं मेरे हायर एजुकेशन पूरी करके जब मैं ये सोशल मूवमेंट में उतरा, और सोशल मूवमेंट में उतरने के बाद मैंने देखा कि इस देश में खास करके बुद्धिस्टों की, मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं इसलिए मैं थोड़ा सा बुद्धिज्म के मैनेजमेंट के ऊपर बात करूंगा। मैंने देखा कि इस देश के बौद्धों का कोई व्यवस्थापन ही नहीं, कोई मैनेजमेंट ही नहीं। आप लोग कहां से आए हो, कोई आप बताओ, दिल्ली के कौन से प्रदेश से आए हो? भंडारी जी कौन से गांव, ये यहां से आए होंगे? तो आपके बाजू में और कोई बौद्ध रहते होंगे? विहार है आपके यहां पर, विहार, बौद्ध विहार। आपके बाजू में कोई विहार होगा तो क्या आपको उस विहार में कितने लोग सदस्य हैं ये आपको मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम। 70 साल इस देश को आजाद होकर हुए हैं। 1956 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को बौद्ध किया। हमको हमारे बाजू के गली में कितने बौद्धों के घर है ये अभी तक हमको नहीं मालूम। इतनी भी मैनेजमेंट हम लोगों ने आज तक नहीं बनाई। और इसलिए मैं ये काम, मैंने ये देखा कि आज मुझे अगर आपके पास कोई मैसेज भेजना है तो मेरे पास वो सिस्टम नहीं है। आपको अगर मुझे कुछ बताना है तो आपके पास वो सिस्टम नहीं है। और इसलिए हमको ये सिस्टम आज बनानी होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोग मुस्लिम लोगों की ईद को थोड़ा सा लास्ट दो एक साल पहले की एक ईद गई थी, उस ईद में चांद नहीं दिखने वाला था। जो नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट के हॉलीडे के दिन पर चांद दिखने नहीं वाला था। तब इसी दिल्ली के बुखारी जो जामा मस्जिद में बैठते हैं, उन्होंने वहां से ऑर्डर निकाला कि पब्लिक हॉलीडे के दिन कोई भी ईद सेलिब्रेट नहीं करेगा। उसके नेक्स्ट दिन ईद सेलिब्रेट होगी। पूरे देश में हॉलीडे के दिन, छुट्टी के दिन कहीं पर भी ईद मनाई नहीं गई, वो दूसरे दिन ईद मनाई गई। यानी दिल्ली के जामा मस्जिद में बैठा हुआ बुखारी सारे देश के मुसलमानों से संपर्क कर सकता है। क्या आपका ऐसा कोई आदमी है जो भारत के सभी बौद्धों से संपर्क कर सकता है? नहीं, नहीं। और ये ही हम लोगों को तैयार करना होगा। आज हो क्या गया है, हम लोग सभी लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन कौन से दिशा में कर रहे हैं हम लोगों को कोई मालूम नहीं। यानी हम लोगों की अवस्था कैसी हो गई है। हम लोगों ने स्टोरी सुनी थी कि चार अंधे होते हैं और हाथी दिया जाता है और उसको डिस्क्राइब करने को कहते हैं कि हाथी का आकार कैसा है। कोई पूंछ पकड़ता है तो कहता है कि हाथी ऐसा है, ये पूंछ के शेप का है। कोई पेड़ पकड़ता है तो कहता है हाथी का शेप ऐसा ही है। वैसी हम लोगों की अवस्था हो गई। हम लोगों के पास कोई मैनेजमेंट नहीं है और इसलिए ये मैनेजमेंट हम लोगों को तैयार करना होगा। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से मेंबरशिप के फॉर्म इसलिए आप लोगों से भरवा के लिए जा रहे हैं ताकि आपको मेरे बारे में और मुझे आपके बारे में जानकारी हो। अभी मैं बिहार में, सुबह हम लोग आए बिहार में बैठे थे, आपके सामने आप लोगों में ही वो कार्यकर्ता बैठे होंगे, वो पूछ रहे थे आप बाबा साहब के बाद कैसे, फिर उनके बाद कैसे, फिर उनके, यानी आज हमारे पास बाबा साहब अंबेडकर जी की फैमिली ट्री का भी मालूम नहीं है हम लोगों को।